हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात डाक विभाग भर्ती 2020-21 के बारे में। यहाँ पर पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको GDS भी कहा जाता है, और इस पोस्ट के लिए 1826 वैकेंसीज अवेलेबल है, जो कि ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए गुजरात सर्कल के अंतर्गत निकली है। जॉब लोकेशन है गुजरात, बट ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत पोस्ट रखी गई है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको BPM भी कहा जाता है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको ABPM भी कहा जाता है, और पोस्ट है डाक सेवक। दोस्तों, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है BPM पोस्ट के लिए 4 घंटे के लिए 12,000 रुपये पर मंथ, 5 घंटे के लिए 14,500 रुपये पर मंथ। ABPM और डाक सेवक पोस्ट के लिए 10,000 रुपये 4 घंटे के लिए आपको सैलरी के रूम में मिलने वाले हैं, और 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूम में मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट होने वाली है 21 दिसंबर 2020 तक। दोस्तों, अपरेज में यहाँ पर छूट मिलने वाली है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी अपरेज में छूट नहीं दी जाएगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की अपरेज में छूट मिलने वाली है, PWD OBC कैंडिडेट को 13 साल की, और PWD SC/ST कैंडिडेट को अपरेज में 15 साल की छूट प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है एजुकेशन के अंतर्गत। एजुकेशन में कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज से मतलब है जिस एरिया में आप रह रहे हो या जिस स्टेट में आप रह रहे हो, उसकी लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। वो डिटेल आपको लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर भी प्रोवाइड करा रखी है। जो कैंडिडेट इस टेबल में दी गई लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 60 दिन का आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर ले। बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितनी एग्ज़ाम फ़ी जमा करानी होगी। अप्लाई करने के लिए UR OBC EWS मेल और ट्रेंथ मेन कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे, जबकि फीमेल, ट्रांसवोमैन, SC/ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। ये कैंडिडेट बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम ना कोई इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात आती है कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in या फिर apport.in/gds-online। इन ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग डेट है
21 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है 20 जनवरी 2021। अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड करा रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एप्लीकेशन फ़ी जमा कराने के लिए स्टार्टिंग डेट है 21-12-2020 और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 20-1-2021। जी हाँ दोस्तों, 21-12-2020 से 20-1-2021 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और इन्हीं डेट के बीच आप एप्लीकेशन फ़ी जमा करा सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।